अशोक जी गहलोत साहब, ओलंपिक खेल गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान गहलोत ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी साथ ही कृषि, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं रखी जा रही है। गहलोत ने कहा केंद्र सरकार को राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं के मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ में यहाँ ग्रामीण ओलंपिक खेलों का यहाँ पर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ऐतिहासिक आयोजन से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है। यही खिलाड़ी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक विजेता बनेंगे। यहाँ पर सभी खिलाड़ियों से उन्होंने परिचय प्राप्त किया, साथ ही बताया कि देश में पहली बार राजस्थान में इस अभूतपूर्व आयोजन से गांव ढाणी में खेलों का माहौल बना है। राज्य सरकार द्वारा अब हर साल ग्रामीण खेलों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण ओलंपिक के सफल आयोजन के बाद शहरी ओलंपिक पर भी विचार कर रहे हैं। गहलोत ने बताया खेल जात पात धर्म अमीरी गरीब से अलग है, सभी खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। ग्रामीण ओलंपिक से गांव में सामाजिक समरसता का माहौल और बन रहा है, इससे क्षेत्र के जमीन के विकास को भी गति मिलेगी। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार खेलों के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अहम निर्णय ले रही है। इसी दिशा में ग्रामीण ओलंपिक खेल एक मजबूत कदम है। गाँव में ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। की जो मीटिंग है ये तो एक प्रकार से अभी तक लोग आ रहे हैं, ये तो एक प्रकार से आम इनमें हर आयु के वर्ग लगभग 30 लाख खिलाड़ियों का भी पंजीकरण खेल के स्वर्णिम भविष्य की ओर इंगित कर रहा है। उन्होंने कहा सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में कोई कमी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण, 229 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति, साथ ही ओलंपिक व कॉमनवेल्थ पदक विजेताओं गुरु वशिष्ठ व महाराणा प्रताप अवार्ड में सम्मान राशि बढ़ाने, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में खेले फिल्म बनाने सहित कई ऐतिहासिक मैच ले लिए गए हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों को संविधान नियुक्तियों में भी प्राथमिकता मिलेगी। गाँव में आप देख रहे हैं कबड्डी यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठकर पूरा आनंद उठाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 जिलों के दौरे पर, जिन्होंने सर्वप्रथम नागौर जिले के नावा से यह शुरुआत की, बाद में दूदू के लिए यहां से रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने समारोह में लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए भी 25,000 आयुर्वेदिक औषधि किट वितरण करने की शुरुआत करने को लेकर जानकारी दी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस प्रकार सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग और सभी पोलिटिकल पार्टियों के लोग भी, हमने आह्वान किया है इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, खेल के उम्मीद करता हूँ कि भावना में खेले गए, इसलिए अभी तक कामयाब हुए सब जगह। अब ब्लॉक लेवल जा रहे हैं, उसके बाद में भी जिला स्तर पर होंगे, फिर स्टेट लेवल पर होंगे, तो बहुत अच्छा प्रयोग है। खिलाड़ियों के लिए क्या है आगे की रणनीति, जो मैंने अभी बताया आपको, उनके लिए आरक्षण कर दिया गया है, अवार्ड की राशि बढ़ा दी गई है,
की नौकरी दे रहा हूँ लोकपाल को, ये पहली बार हो रहा है इतना बड़े लोग, 229 लोग तो लग चुके हैं मुझे, डीवाई एसपी तक लग रहे हैं, कितने अच्छे मामले। नागौर में जन सैलाब काफी आया सर आज, बहुत भयंकर आया है। नागौर के अंदर मैंने चौधरी जी की पॉपुलरिटी जो है बेनती बनती है सर, अध्यक्ष पद को लेकर आपको क्या कहना है? जो मांगा इन्होंने विकास के लिए, कॉलेज तहसील या पिछले पिछड़पुर का पानी, क्या नहीं हुआ यहाँ पर, सब कुछ हो रहा है।